सब्सक्राइब करें सीमा बुटीक चैनल को लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीमा आली और आज मैं आपको पॉकेट कैसे लगाई जाए प्लाजो में उसके बारे में बताऊंगी। प्लाजो की पॉकेट के लिए मैंने ये इस टाइप से बचा हुआ इतना कपड़ा लिया है और ये इसकी लंबाई 12 इंच है और इसकी चौड़ाई 6 इंच है। अगर आप चाहें तो 1 इंच लंबाई घटा सकते हैं और चौड़ाई में भी आप थोड़ा सा आधा 1 इंच घटा सकते हैं, लेकिन मेरा इतना ही कपड़ा बचा हुआ था इसलिए मैंने उसी हिसाब से ये लिया है। मैं कपड़े को पहले बराबर कर लूँगी अपने दोनों भाग, ये दोनों जो है इस तरीके से कपड़े हैं, दोनों को बराबर कर लूँगी। अब मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से ये थोड़ा सा शेप बनाना है पॉकेट का। ये हमारा हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। ये हमारी पॉकेट का कपड़ा तैयार है और ये मेरा प्लाजो की कटिंग है, जिसमें क्या करना है, ये इस तरीके से केवल 6 इंच का निशान लगाना है। देखिए मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, ऊपर से बस थोड़ा सा आधा इंच छोड़ना है, फिर इसका मैं निशान लगा लूँगी इस तरीके से। इसको 6-6.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर आप चाहें तो इसका पॉकेट का मुंह आप 7 इंच का भी रख सकते हैं। अब मुझको क्या करना है, ये इस तरीके से इसको सिलना है, जो कि मैं ऊपर से बिल्कुल यहाँ से लेके चलूँगी और ये फिर बेल्ट के अंदर ही ये हिस्सा आ जाता है। हमारी पॉकेट बहुत ही सफाई से लगती है, मैं अभी सिल करके दिखाऊंगी आपको। मैंने एक अपना पॉकेट का कपड़ा लिया है और ये हमारे प्लाजो की प्लाजो का कपड़ा है और जो मैंने जो निशान लगाया था उस निशान ही तक मुझको सिलना है। देखिए मैंने बस उतना ही सिला है जहाँ तक निशान लगा था 6.5 इंच का। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा करके पक्का कर दूँगी। अब इस तरफ से भी जो ये एक हमारी रह गई सिलाई, इसमें ये दूसरा पल्ला जो है इस तरीके से पॉकेट का जोड़ना है, उसको भी इसी तरीके से जोड़ूँगी। ये हमारी पॉकेट बहुत ही सफाई से लग जाती है। इसको मैं भी इतना ही सिलूंगी जितना उसको सिला था, इसको भी ऐसे पक्का कर लूंगी। देखिए पॉकेट के दोनों ये हिस्से मैंने इस तरीके से पकड़ा है, अब इसको मुझे सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी पॉकेट इस तरीके से ये सिल के आ गई है और मैं इसको सामने से भी दिखा दूँ, ये इस तरीके से लग के तैयार हुई है। इसके मैं पहले धागे वागे काट दूँगी। देखिए हमारा हाथ इसमें आसानी से इस तरीके से चला जाता है, हमारी पॉकेट की डीपनेस इस तरीके से ये आई है। हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है, बस इस पर थोड़ा सा आयरन वगैरह लगा दीजिए, इससे ये बिल्कुल चिपक जाएगी।
और अब इसमें क्या है, बस ऊपर बेल्ट लग जाएगी और बेल्ट ही में हमारी ये जो पॉकेट है ये इस तरीके से बेल्ट पे चली जाएगी। मैंने पॉकेट इसमें लगा ली है बिल्कुल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।